नमस्कार, मैं हूँ नीलम मौर्य और मेरे चैनल नीलम रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं साबुत मसूर दाल। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। ये बहुत ही जल्दी बन भी जाती है और इसको बनाना भी उतना ही आसान है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कुकर में हम सरसों का तेल डालेंगे। अगर आपको रिफाइंड में बनाना है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। ये लहसुन है, इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसको भी थोड़ा मैं भून लूँगी। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें मैं कटी हुई प्याज डालूँगी। प्याज मैंने 1 काट के डाली है, अगर आपको और डालनी तो आप डाल सकते हैं। इसको मुझे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। 2 कटी हुई लाल मिर्च, 1 चुटकी हींग, इन सबको डाल के मैं अच्छे से भून लूँगी। देखिए भुन गया है। अब इसमें मसाला डालती हूँ। ये मैंने गरम मसाला डाला है, हल्दी पाउडर, इन सबको डाल के बिना पानी के मैं ऐसे सूखा इसको 8 से 10 सेकंड के लिए ऐसे ही भूनूंगी। उसके बाद 2 कटे हुए टमाटर, इसको भी मैं डाल लूँगी इसमें। टमाटर डालने के बाद इसको हम अच्छे से चलाएंगे और इसको जब तक भूनेंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गया है। ये मसूर दाल है, मैंने इसको आधे घंटे पहले पानी में सोख करके रखा था। उसके बाद मैंने इसका पानी निकाल लिया है, फिर इसको भी मैंने डाल दिया है। इसको भी डाल के इसे हम चला लेंगे। हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इसमें मैंने नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद 2-3 मिनट के लिए हम ऐसे ही भूनेंगे इसको। उसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। करीब मैंने 2.5 गिलास पानी डाला है इसमें और मेरी 1 कटोरी दाल थी। अब कुकर के ढक्कन को बंद करके इसको जब 1 सीटी आ जाए उसके बाद आप इसको लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकाइएगा, 3 से 4 सीटी आने तक। देखिए इसको चेक करते हैं। देखिए दाल अच्छे से पक गई है। अगर हमने दाल को पहले से सोख कर दिया है तो फिर इसको हमें टाइम नहीं लगता है ज़्यादा पकने में। ये कटा हुआ हरा लहसुन है, इसको भी मैं डाल देती हूँ इसमें, इससे स्वाद इसका और बढ़ जाता है। इसको भी डाल के अच्छे से मिला लेंगे। अब लीजिए हमारी गर्मा गर्म मसूर की दाल तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व करें। आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।